नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई डिस्कवरी या आविष्कार होता रहता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों को जान लिया है, पर असल में दुनिया रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नंबर 1, भूमिगत रहस्य। इस धरती की सतह के अंदर क्या है कोई जानता नहीं। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहरी में क्या है बस यही पता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी सतह के अंदर पेट्रोल, कोयला और बाकी सामान पाए जाते हैं। ये सब बहुत कम गहराई में पाए जाते हैं, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं जो इसके भी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में सोचा कि आखिरकार क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 12 किलोमीटर के करीब एक केम बनाया था। आज तक इंसान ने 12 किलोमीटर के उस गड्ढे को और नीचे तक नहीं खोद पाया, और उस टुकड़े का नाम है कोला सुपर डीप बोर होल, और ये रूफ में मौजूद है, और इस टुकड़े को बनने में करीब 26 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस कचरे को और क्यों नहीं खोदा गया, बस 12 किलोमीटर ही खोदे गए, क्यों बंद कर दिया गया। जब ये 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी धरती के समान ही भीतरी भाग में टेम्परेचर की विफलता बनी हुई है, वैसे ही आपकी पृथ्वी के कोर के सामने स्थित होल 12 किलोमीटर की स्टेज में टेम्परेचर इतनी बढ़ी हुई थी कि इस होल को आगे तक खोदना काफी ही मुश्किल था। अगर इसके आगे वो खुदाई भी करते तो टेम्परेचर के कारण उनके औजार गल कर नष्ट हो जाते, इसीलिए उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। नंबर 2, चंद्रमा का निर्माण। हम चांद को बचपन से ही जानते हैं और इसके बारे में कई कहानियां और किस्से सुने हैं। इसमें आपको ये समझना होगा कि वो बस थ्योरी टाइप में दिखता है। जब किसी बात का फटीक जवाब नहीं मिल पाता, चांद के निर्माण का सवाल भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। हमारे पास यह सिद्धांत मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक सिद्धांत निकाला था, और उन्होंने कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती के घूमने का रफ्तार बहुत तेज था। धीरे धीरे ये इतने तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया और गुरुत्वाकर्षण के दो टुकड़ों में जुड़कर एक गोल आकार की वस्तु बन गई, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुई तब धरती की गति सामान्य हो गई। चंद्रमा का निर्माण भी सबसे बड़े रहस्य में से एक है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद का कोई रूप नहीं था और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था। धरती का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। नंबर 3, अज्ञात गुफाएं। ये एक बहुत ही मशहूर तथ्य है। दुनिया का 95% समुद्र आज तक अज्ञात है। समुद्र की तरह ही आज तक दुनिया में कई गुफाएं हैं जिनमें आज तक कोई भी मनुष्य कदम नहीं रख पाया है और ना ही उसकी खोज की गई है। और जो गुफाएं पाई गई उनमें से ज्यादातर के लिए अवशेष बनाए गए थे ये भी नहीं जानते। नेशनल जियोग्राफिक के एक शोध के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि बिल्कुल समुद्र की तरह ही इस दुनिया में वैज्ञानिकों की गुफाएं हैं जिनमें से 90% गुफाओं को कभी भी हमने नहीं खोजा है। अमेरिका इस दुनिया का सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान है। अमेरिका में अच्छे से खोजे गए विशेष स्थान पे भी आज तक सभी 50% गुफाओं को ही खोजा गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कैसी रहस्यमयी गुफाएं हैं और कैसे प्राणी रहते हैं किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के